कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहनी हो तुहर मन के स्वागत है, जय जोहार है। संगवारी, आज हम आप मन ला हरदी के व्यवसायिक खेती करे से का लाभ हो सकत है, हरदी के खेती कैसे करे जाए, यही विषय में चर्चा करबो। संगवारी, काबर ये हर सर्वोत्तम औषधि के रूप में है, ये खून ला साफ करते, शरीर के जो खराब कोलेस्ट्रॉल है तेला खत्म करते, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते और संगे संग में संगवारी हो एक बहुत अकन दवाई घलो बनते। आज कई ठन अभी जो कॉस्मेटिक वगैरह के जो दवाई बनते तेमा हरदी के उपयोग करे जाते संगवारी हो। और हरदी एक ऐसी चीज़ है जलते कम से कम जगह हम लगा ले, ज़्यादा से ज़्यादा जगह हम लगा ले, बाकी जो फसल है साग भाजी के या गेहूँ चना धान के वोला कहूँ कम जगह हम लगा पे ज़्यादा फायदा नहीं हो सके संगवारी हो। लेकिन अगर कहूँ हम कम जगह हम लगा के 10-20 किलो भी कहीं उत्पादन करबो तो हज़ारों रुपया हम इमें कमा सकत हन। संगे संग में संगवारी हो हरदी कैसे चीज़ है जिम दुनिया के ऐसे कोनो साग नहीं है, चाहे वो अमटहा हो चाहे मसाला हो, बिन हरदी के बने नहीं। और बेचाए बर कहे तो एकर अब जो बाजार है ना केवल गांव में या शहर में नहीं पूरा संसार में हरदी बेचाते। हाँ संगवारी हो, बिन हरदी काम तो चल नहीं सके। तो कहे का मतलब ये है कि हरदी के जो खेती है तेना हमला हर प्रकार से लाभ दे सकत है। हमारे छत्तीसगढ़ में हरदी की जो खेती है तेना किसान भाई मन थोड़ा सा कम करते हैं, जबकि ये बहुत फायदे वाला हो सकत है। संगे संग में अकेला घलो लगा ले या दूसरे का दूसरे फसल के संग में घलो लगाया जा सकत है संगवारी हो। तो ओकरे स्थिति आज हम आप मन ला हरदी के व्यावसायिक खेती कैसे करे जाए, हरदी खेती के का लाभ है, यही विषय में चर्चा करबो संगवारी हो। हम आज आप मतलब हरदी के खेती के जो विषय में जानकारी देने वाला हन एकर विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर कमल नारायण वर्मा जी है। ये डॉक्टर कमल नारायण वर्मा जी कृषि विज्ञान केंद्र पहांदा में पदस्थ हैं। एमन बहुत सुंदर से पढ़ाई करके और बहुत बढ़िया ढंग से देखा था तो मोर पाछू में ये हरदी के खेती करे हमें लगाए हमें पूरा जाँचे हैं और वोर बाद आप मन लेकर ज्ञान दे बराए हैं संगवारी हो। तो एकर पहली हम आज के अपन गोट बात ला शुरू करें, ले लेते हैं एक छोटे से संदेश। बटेर पालन बहुत ही अच्छा व्यवसाय बनने जा रहा है। वैसा देखा जाए तो बटेर पालन जो है सबसे जो प्रथम जैसे अपने भारत देश में देखा जाए तो बिहार झारखंड और उसके बाद छत्तीसगढ़ और फिर उत्तर प्रदेश, इस प्रकार से इन राज्यों में इसे पाला जाता है। और जो जलवायु का देखा जाए तो इसमें जो अपने इधर जो जलवायु है छत्तीसगढ़ की बहुत अच्छी है, इसमें बटेर पालन जो है हम अच्छे से इसे किया जा सकता है। और इसमें देखा जाए तो क्या है कि अभी जो मुर्गी पालन जो व्यवसाय कर रहे हैं तो मुर्गी पालन और बटेर पालन में जो है कि लागत की जो कमी आती है तो जिसके कारण जो हमारे किसान भाई है तो किसान भाई भी इसमें बहुत ही मतलब रुचि दिखाना चालू कर रहे हैं। संगी हो संदेश के बाद तुहर मन के फिर से स्वागत है, आवाओ आज के हम अपन विषय शुरू करें। हमारे जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कमल नारायण वर्मा जी आ चुके हैं, मैं तुहर जम्मू किसान भाई ढार ले उखर मन के स्वागत करत हूँ, जय जोहार करत हूँ। वर्मा जी, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहबो कि हरदी के खेती पर हमारे जो छत्तीसगढ़ के जलवायु है तेखर का महत्व है, जलवायु ये जलवायु में हो सकत है कि नहीं हो सकत है। संगे संग में एकर भूइया की तैयारी कैसे करना है, मांदा कैसे बनाना है या मांदा बनाएल पढ़ी कि नहीं पढ़ी, और माटी के परीक्षण अगर हम कराना चाहन तो वो फायदेमंद हो ही कि नहीं हो ही, ये पहली अलग पूछ लेते संगी हो। अपने औषधीय गुणों की वजह से हल्दी की खास पहचान है, इसमें खास एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इस वजह से हमारे देश में दूध में पिसी हल्दी मिलाकर पीने का प्रचलन है, तो वहीं हल्दी आम लोगों के भोजन का भी अभिन्न हिस्सा है। इसी तरह हल्दी का प्रयोग सभी शुभ कार्यों में किया जाता है। इन्हीं सब कारणों से हल्दी की डिमांड हमेशा बनी रहती है। दुनिया के कुल उत्पादन में अकेले भारत हल्दी का 80% उत्पादन करता है। अच्छी बारिश वाले गर्म व आर्द्र क्षेत्र हल्दी के उत्पादन हेतु योग्य होते हैं। इसकी खेती 1200 मीटर ऊंचाई तक वाले क्षेत्र में सुगमता पूर्वक अच्छी सिंचाई व्यवस्था के साथ की जा सकती है। हमारी छत्तीसगढ़ की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु है, जो कि हल्दी की खेती के लिए बहुत ही उत्तम है। अब बात करते हैं कि इसके लिए किस तरह की मिट्टी होना चाहिए। हल्दी की खेती के लिए बलुआ दोमट मिट्टी जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो वो मिट्टी सबसे उपयुक्त होता है। वैसे तो हम सभी प्रकार के मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं,
बशर्ते उसमें जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि हमें हल्दी की खेती करने के लिए हमारे खेत को कैसे तैयार करें। तो खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले तो जो खेत की तैयारी है वो निर्भर करता है कि हमारी मिट्टी किस प्रकार की है। किस प्रकार की मतलब, अगर बलुआ मिट्टी है तो हमें तैयारी करने के लिए जो कल्टीवेटर है उससे भी हम तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा हार्ड मिट्टी है, कॉम्पैक्ट मिट्टी है, जो कन्हार मिट्टी है, तो उसमें हमें MB चलाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो एक बार MB चला के 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाना है, उसके बाद उसमें रोटावेटर चला के मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरी कर लेना है। किसान भाइयों, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि रोटावेटर चलाने के पहले हमें जो गोबर खाद है, 8 से 10 ट्राली प्रति एकड़ की दर से गोबर खाद को हमें अच्छे से जो खेत में फैला लेना चाहिए, उसके बाद हमें रोटावेटर चलाना चाहिए, जिससे कि गोबर खाद पूरे खेत में अच्छे से मिल जाता है। अब बात करते हैं, जैसे जो गोबर खाद उपयोग करेंगे, ध्यान रखिए कि अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर खाद ही उपयोग करना है, नहीं तो क्या होता है, दीमक की समस्या बहुत ज़्यादा आता है अगर आप बिना सड़े हुए गोबर खाद उपयोग करेंगे तो। इसके साथ साथ अगर बिना सड़े अगर गोबर खाद उपयोग करेंगे तो उसमें पोषक तत्व की मात्रा भी वैसा नहीं रहेगा जैसा होना चाहिए। हल्दी की किस्म RH5 के पकने में लगभग 210 से 220 दिनों का समय लग जाता है। इस किस्म से प्रति एकड़ 200 से 220 क्विंटल हल्दी प्राप्त की जा सकती है। वहीं राजेंद्र सोनिया किस्म को तैयार होने में 195 से 210 दिनों का समय लग जाता है। इस किस्म से प्रति एकड़ लगभग 160 से 180 क्विंटल उपज मिल सकती है। इसी तरह हल्दी की किस्म पालम पीताम्बर से 132 क्विंटल प्रति एकड़ तक उपज प्राप्त की जा सकती है। हल्दी की किस्म सोनिया तैयार होने में 230 दिन का समय लेती है। इस किस्म से 110 से 115 क्विंटल प्रति एकड़ प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा सगुना, रोमा, कोयंबटूर, कृष्णा, NDR18, BSR1, पंत पीताम्बर आदि किस्में भी हैं। हल्दी की खेती का सबसे सही समय खरीफ सीजन है, जिसके तहत किसान मई से 15 जून तक हल्दी की बुआई कर सकते हैं। हल्दी की खेती की उपज काफी हद तक किसानों की तरफ से लगाए गए बीजों की गुणवत्ता पर भी निर्भर करती है। हल्दी के अच्छे बीज सरकारी संस्थानों में बेहद सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। हल्दी की खेती करने के लिए सबसे पहले तो हमें जो बीज की मात्रा है वो 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ जो कंद है उसकी आवश्यकता पड़ता है। लेकिन हम एक नया तकनीक है जिसे हम कहते हैं प्लग ट्रे नर्सरी विधि। इस विधि में क्या करते हैं, जैसे हम सब्जी का थरहा तैयार करते हैं प्रो ट्रे में, उसी तरह से हम हल्दी का भी थरहा तैयार करते हैं। जो प्लग ट्रे विधि होता है वो हम कैसे करें, इसके लिए हमें कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और हल्दी के कंद की आवश्यकता होगा। हल्दी के कंद 3 से 4 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से आवश्यकता होगा, मतलब हम इसमें कम से कम 2 से 2.5 गुना कंद की बचत कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम समय से पहले ही पौधा तैयार करेंगे तो 1 महीना का समय हम और बचा सकते हैं। हल्दी का कंद आप देखेंगे तो ये जो है मदर राइजोम कहलाता है, बीच वाला भाग, ये इससे लगा हुआ भाग को हम फिंगर राइजोम बोलते हैं। तो ये फिंगर राइजोम में ऐसा स्प्राउट रहता है ना, तो एक फिंगर राइजोम में 3 से 4 स्प्राउट रहते हैं। तो जितना स्प्राउट रहेगा तो उसके हिसाब से एक फिंगर राइजोम को हमको कट करना है और उसमें 2 स्प्राउट एक जो कटिंग है उसमें हमको रखना है। तो एक कटिंग में जैसे हमने स्प्राउट रख लिया तो ये कटिंग वाले भाग को जो प्रो ट्रे है उसमें हमको रखना है। रखने के बाद कोकोपीट 75% 3 भाग और वर्मी कंपोस्ट 1 भाग मिला के हमें उस जो कंद है उसको ढक देना है। ढकने के बाद 30 से 40 दिन में हमारा पौधा जो है रोपाई के लिए तैयार हो जाता है। पानी के प्रबंधन एमा कैसे करना है, मौसम के हिसाब से अलग अलग मौसम में कब कब हमला पानी दे लगी, और पानी दे के सबसे बढ़िया विधि का हो सकत है जेमा कम पानी में हम ज़्यादा से ज़्यादा ओकर लाभ ले सकन, आवा जानथन जल प्रबंधन हल्दी के खेती पर। हल्दी की सिंचाई मिट्टी और जलवायु पर भी निर्भर करती है।
गर्मी के मौसम में हल्दी की सिंचाई 7-8 दिनों के अंतराल पर करनी चाहिए तथा ठंड के मौसम में 15-16 दिन के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए। फसल से जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो सिंचाई प्रबंधन के लिए निर्भर करता है कि हमारे पास साधन क्या क्या है। साधन का मतलब जैसे क्या हमारे पास ड्रिप है, स्प्रिंकलर है। मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि अगर किसी के पास सिंचाई के साधन की कमी है तो वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ लेकर ड्रिप एवं स्प्रिंकलर खरीद सकते हैं और जो जल है उसका समुचित उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको संपर्क करना पड़ेगा आपके संबंधित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों से, ग्रामीण उद्यानिकी विस्तार अधिकारियों से और संबंधित कृषि विज्ञान केंद्रों से। तो उससे उसके जरिए आपको ये पता चल जाएगा कि हमें कैसे उस योजना का लाभ लेना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना से आप अपने खेतों में ड्रिप लगा सकते हैं, स्प्रिंकलर खरीद सकते हैं। तो ड्रिप लगाएंगे तो इससे कम से कम 70-75% पानी की बचत होगा और 40-45% उपज में वृद्धि होगा। और साथ साथ अगर आप ड्रिप से पानी देंगे तो वो उतना ही गीला करेगा और उतना ही पानी देगा जितने पौधे को आवश्यकता है, तो इससे खरपतवार भी कम उगेंगे। तो किसान भाइयों, अच्छा है कि आप ड्रिप लगाएं और स्प्रिंकलर से इसकी खेती करें। ड्रिप और स्प्रिंकलर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो बहाव पद्धति से अगर आप दे रहे हैं तो आपको हर 10-15 दिन, कब देना है ये ठंडी के दिन में, बरसात के दिन में तो पानी ऊपर का पानी गिरते रहता है। और अगर मान लो जाए लंबा ड्राई स्पेल पड़ गया, बहुत दिन तक पानी नहीं गिरा, तो उस कंडीशन में आपको देखना है कि ज़मीन जैसी ही सूखने लगे तो आपको उसमें पानी देना है। ठंड के दिन में 10-15 दिन, जैसी ज़मीन आपको दिखे कि सूखने लग गया है तो आपको उसमें पानी देना है। जितना अच्छा आप पानी देंगे और खाद देंगे, हल्दी के उत्पादन उतना ही अच्छा आएगा। संगी हो, आज के हमारी जो जानकारी है कि हल्दी के व्यावसायिक खेती कैसे करे जाए, ये चर्चा तो चलत रही, एक छोटे से संदेश तुम्हारे बारे में। मेरे साथ बोलो ए, ए बी, बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है, अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36-44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम लहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, भारत का। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। किसान संगी हो, तुमन तो जानता हो कि बिन खातू माटी के कोनो भी फसल अच्छा ढंग से नहीं हो सके। तो हरदी पर हमला कौन कौन प्रकार के खातू देल लगी, कब कब देल लगी, शुरू में कब देल लगी कि बीच में देल लगी, अलग अलग समय में देर लगी, कतका कतका मात्रा में देर लगी,
और खाद दे के विधि का हो सकत है और कौन कौन से खातु देबो तेन संगे संग में तुमन जानते हो संगवारी हो कि जैविक खाद घलो है आजकल जैविक खाद के बड़ा महत्व बढ़ गए है और जैविक खाद बहुत बढ़िया घलो होते तो यदि हम कहूँ जैविक खाद एमा डालना चाहन तो वो कतका कतका मात्रा में दे लगी वो जैविक खाद के नाम का है और कहूँ कहूँ घर में बनाना चाहन तो कैसे बना सकत हन तो आवा जानथन हरदी के खेती पर रासायनिक खाद के प्रबंधन कैसे करे जाए और जैविक खाद के अगर हम प्रबंधन करना चाहन देना चाहन तो कैसे दें उर्वरक की मात्रा निर्भर करेगा कि हमारे मिट्टी में कितनी पोषक तत्व उपलब्ध हैं और किसकी कमी है ये हमें पता कैसे चलेगा इसके लिए हमें मिट्टी का परीक्षण करवाना पड़ेगा। मिट्टी का परीक्षण कैसे होगा और कब होगा? मिट्टी का परीक्षण गर्मी के दिन में करना चाहिए और इसके लिए जो संबंधित कृषि विज्ञान केंद्र या इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के संस्थान या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या उद्यानिकी विस्तार अधिकारी इनसे आप संपर्क करिए कि और अपने खेत का मिट्टी परीक्षण अवश्य कराएं। मिट्टी परीक्षण करने से क्या होगा, हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व उपलब्ध हैं, किसकी कमी है। उसी के आधार पर हम निर्धारित करेंगे कि हमें कौन कौन सा उर्वरक डालना है और कौन कौन सा नहीं डालना है या कम डालना है ज़्यादा डालना है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने हिसाब से ही एक जो जनरल रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से हम खाद डाले जा रहे हैं। हमें ये नहीं पता है कि उसमें वो पोषक तत्व तो है भी कि नहीं है, कितना कम है कितना ज़्यादा है, और हम मतलब ये एक तो खाद का दुरुपयोग कर रहे हैं और हमारे पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो दोनों से बचने के लिए हमें मिट्टी परीक्षण करके ही उसके आधार पर अनुशंसित उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। अगर आपके पास अगर मिट्टी परीक्षण नहीं हुआ है और आपको खेती करना है तो उस कंडीशन में आप कम से कम आधा बोरी यूरिया, डेढ़ बोरी DAP और एक बोरी पोटास ये लगाते समय ही हमको डालना है। ध्यान रखें किसान भाइयों कि जब भी खाद डालें तो कंद जो है सीधे खाद के संपर्क में नहीं आना चाहिए, ये उसके साइड में हो या थोड़ा गहरा हो। जब बुआई आपका हो गया, आपका 30 से 40 दिन का फसल हो गया, तो उस अवस्था में भी हमें जो यूरिया और पोटास का टॉप ड्रेस करना है। तो उसमें यूरिया कितना डालना है, यूरिया हमको 25 किलो प्रति एकड़ और पोटास जो है 50 किलो प्रति एकड़, ये हमें 3 से 4 बार डालना है। 3 से 4 बार मतलब जैसे हमने पहला जो टॉप ड्रेस किया रोपाई के 30 दिन बाद या 40 दिन बाद, और उसी समय हम मिट्टी चढ़ा रहे हैं। फिर दूसरा हमें करना है उसके एक महीना बाद, और उसी समय फिर से हमको मिट्टी चढ़ाना है, खाद डालें मिट्टी चढ़ाएं। तो इससे क्या होगा, एक तो आपका खरपतवार का नियंत्रण हो जाएगा, दूसरा मिट्टी चढ़ेगा तो एरेशन बढ़ेगा, उससे कंद के साइज अच्छा होगा, और तीसरा हमारा खाद भी हमारे जो जड़ तक जाना चाहिए तो वो जड़ तक हमें खाद पौधों को मिल जाएगा। हल्दी की फसल में निराई व गुड़ाई के द्वारा खरपतवारों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आमतौर पर 3 से 4 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। बुआई के लगभग 30 दिनों बाद पहली बार निराई व गुड़ाई की जाती है। बुआई के लगभग 60 दिनों बाद दूसरी और 90 दिनों बाद तीसरी बार निराई व गुड़ाई करना आवश्यक है। खेत में पलवार बिछा लें, इससे खरपतवार पर काफी हद तक नियंत्रण होता है। प्रति एकड़ भूमि में करीब 600 ग्राम फ्लुकोरोलिन के छिड़काव से हम चौड़ी पत्तियों वाले खरपतवारों पर पूरी तरह नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। हल्दी में खरपतवार नियंत्रण करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसमें हम मल्चिंग करें। मल्चिंग दो तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपके पास पैरा, जो धान का पैरा होता है, उसका अगर पैरा उपलब्ध है तो जिस समय आप हल्दी का कंद लगाने के बाद उसमें पैरा को बिछा दिए, क्योंकि आप तो मेड़ बनाएंगे ही, तो उस मेड़ को पूरा ढक देंगे। उससे क्या होगा, एक तो नमी की मात्रा बनी रहेगी मेड़ में और दूसरा खरपतवार बहुत कम उगेंगे। दूसरा तरीका यह है कि उसमें आप प्लास्टिक मल्चिंग उपयोग करें। प्लास्टिक मल्चिंग उपयोग करने से लेकिन नुकसान ये होगा कि जब आपके फसल खोदने लायक हो जाएगा तो वो जो प्लास्टिक है वो प्लास्टिक को आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए आप पैरा की मल्चिंग करें, बेस्ट है, आपके इससे पैसे की भी बचत होगा और इको फ्रेंडली भी है, मतलब ये हमारे प्रकृति के लिए भी हानिकारक नहीं होगा। अगर उसके बाद भी आपको खरपतवार दिखते हैं तो जैसे मैंने बताया कि हमको 30 से 40 दिन बाद मिट्टी चढ़ाना है, तो मिट्टी चढ़ाएंगे तो आप नाली के बीच की जगह को खुदाई करेंगे, तो खुदाई करेंगे तो उसमें जो खरपतवार रहेंगे वो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। इसके साथ साथ उसी समय हमें जो यूरिया और पोटास की मात्रा है, यूरिया 25 किलो
और पोटास 50 किलो प्रति एकड़ की दर से हमें उपयोग करना है और उसके बाद हमको मिट्टी चढ़ाना है। ये 35 से 40 दिन हो गया पहला। दूसरा हमें उस वैसी 60 दिन या 60 से 70 दिन में हमें फिर से मिट्टी चढ़ाना है और यूरिया और पोटास उसी मात्रा में हमें फिर से डाल के मिट्टी चढ़ा लेना है। आवश्यकता पड़े तो आपको तीसरा भी आपको करना है, वो अगर 90 से 100 दिन में अगर आपको लगता है कि फिर से हमें आवश्यकता है निंदाई की तो वो भी उस समय करना है। और नहीं भी है तो यूरिया और पोटास का टॉप ड्रेसिंग हमको उस समय भी 90 से 100 दिन में हमको करना है। तो ये तो हुई संगी हो कि हरदी के आधुनिक ढंग से व्यवसायिक खेती कैसे करे जाए और लाभ कैसे कमाया जाए तेखर जानकारी। अब मेरा है एक छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत के आवा ओखरो मजा ले लेते हैं। नाचे डुंगरी पहाड़ माँ, मन मोरी झूमे नाचे डुंगरी पहाड़ माँ, झूम के नाच लेते न करमा के ताल माँ, झूम के नाच लेते न करमा के ताल माँ। मन मोरी झूमे नाचे डुंगरी पहाड़ माँ, मन मोरी झूमे नाचे डुंगरी पहाड़ माँ, झूम के नाच लेते न करमा के ताल माँ, झूम के नाच लेते न बने बजाऊं वो मदरला, बने बजाऊं वो मदरला। पैरी बाजे मन हमर मोहागे, सुन सुन पैरी बाजे मन हमर मोहागे, एक दिन ना मंदर बाजे डोंगरी के खाले, सुन सुन पैरी बाजे मन हमर मोहागे, सुन सुन पैरी बाजे मन हमर मोहागे। आबे आबे गोरी वो नदिया कछार मा, आबे आबे गोरी वो नदिया कछार मा, झूम के नाच लेते न करमा के ताल मा, झूम के नाच लेते न करमा के ताल मा। बने बजा देगा मंदरला, बने बजा देगा मंदरला, बने बजाऊं वो मंदरला, बने बजाऊं वो मंदरला। इसे लगी संगी हो गीत संगीत घलो है। हाँ, अपन दार भात अपन संगीत के मजे ही अलग रही थे। तो संगी हो आज हमन हाँ गीत संगीत के साथ साथ में ये भी जानें कि हरदी के खेती करे से का लाभ हो सकत है। हमला विश्वास है आज जो तरीका बताई से हमर विशेषज्ञ डॉक्टर कमल नारायण वर्मा जी है तेने हिसाब से तुहु मन बढ़िया खेती कराओ और खूब कमाओ। और वही अदरी बार एक नवा विषय लेके फिर आपके सेवा में हाजिर होबो। तलघ जमो संगवारी मल्ला, जय जोहार।